नमस्ते मेरे भाई। घाई घाई में उल्टा पहन लिया मैंने। अचानक सब इधर क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? वही कुछ भी नहीं हुआ भिड़े भाई, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब मतलब भिड़े भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि नए साल की नई शुरुआत में हम अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ नया धमाका करना चाहते हैं। हम सब मिलके विंटर पार्टी करना चाहते हैं। हाँ। विंटर पार्टी? मैं समझती हूँ, विंटर मतलब ठंड। हम लोग विंटर पार्टी करेंगे और वो भी वैलेंटाइन डे के दिवस पर मचा जाएगा। वैलेंटाइन्स डे। अच्छा। और इसलिए हम आपकी परमिशन लेने आए हैं और एक अच्छा सा बजट भी। आफ्टर ऑल साल की पहली बड़ी पार्टी है। अच्छा, ये बात है। हाँ। जी। समझ गया। देखिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह ऐसे महिला मोर्चा लेकर आप यहाँ पे आएंगी और मुझसे परमिशन मांगेंगी और दबाव में आके मैं परमिशन दे दूंगा, तो आप गलत समझ रही है। मजाक कर रहा हूँ। अरे गोकुलधाम के महिला मंडल कोई प्रस्ताव लेके आए और मैं मना करूँ, ऐसा हो सकता है कभी? अरे मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोकुलधाम की महिला मंडल जो भी आयोजन करेगी वो धमाकेदार ही होगा। और बजट की चिंता बिल्कुल मत करना, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब बजट मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। वैसे क्या खास आयोजन क्या है? तो गुलाबी ठंड में ये कुछ अलग हटके कुछ खास आयोजन है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि क्या खास। गेट टू गिजर। She means get together. अच्छा। हाँ भिड़े भाई, बहुत मजा आएगा। सर्दियों का मौसम है तो बॉनफायर होगा, मस्त मस्त मसालेदार सबके लिए खाना होगा। वैलेंटाइन्स डे है तो प्यार भरी मीठी मीठी बातें होगी, धमाल मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। और हमारी बाकी की प्लानिंग चल रही है। ओहो, मतलब और भी कुछ है? वो सारी डिटेल्स हम आपको कल दे देंगे। ओके, चलो चलो, कोई बात नहीं, हम सब जोरदार मिलके फैमिली प्लानिंग करेंगे। हम सब फैमिलीज मिलकर जोरदार प्लानिंग करेंगे। इन शॉर्ट, आप चिंता मत कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी का ये एकमेव सेक्रेटरी आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। वाह मम्मी वाह, विंटर पार्टी, मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, बहुत मजा करेंगे। लेकिन अभी स्कूल जाओ, देर हो जाएगी, चलो। हाँ मम्मी। दादाजी, अपना शाम का प्रोग्राम पक्का है ना? हाँ बेटा, एकदम पक्का है। कौन सा प्रोग्राम बापू जी? ओ बहू, आज शाम को टपू सेना मेरे साथ स्वच्छता अभियान के लिए आने वाली है, तो शाम को आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, आज हम लोग मार्केट में जाकर सभी दुकानदारों को स्वच्छता अभियान के बारे में बता के उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए कहेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बेटा। बापूजी, आपको चाय दो। अरे नहीं बहू, अब मैं भी चलता हूँ। अब मैं सीधा शाम को टप्पू सेना के साथ मार्केट होकर ही वापस लौटूंगा। ठीक है बापूजी। अरे दया, चाय। अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं गार्डन जा रहा हूँ, वहाँ हमारे सब यंग ओल्ड ग्रुप वाले मिलने वाले हैं। बाद में हम सब मिलके स्वच्छता अभियान के लिए मार्केट जाने वाले हैं। तो एक दो मिनट रुके, मैं चाय पी के बस निकल ही रहा हूँ, तो दुकान जाते जाते आपको गार्डन तक छोड़ देता हूँ, फिर आगे निकल जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो चल के ही जाऊंगा,
सर्दियों के मौसम में चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में चलिए ना बापू जी, आधे रास्ते तक आपका साथ मिल जाएगा मुझे। हैं? तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल के गार्डन तक चल, फिर वहां से रिक्शा करके दुकान चले जाना। अरे अभी याद आया, ओ मुझे दुकान जाते जाते मेहता साहब को भी मिल के जाना है, तो फिर वहां से चल के गार्डन तक आऊंगा, फिर ऑटो करके जाऊंगा। तो बहुत समझ गया भाई, तू रहने दे, देर हो जाएगी इसके लिए और कुछ नहीं। बहू मेरे राजकुमार को चाय पिला, चलो चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लाला दया चाय ला, चल। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चलकर बापूजी के साथ जाना चाहिए था। चांपली सुनो, नहीं बापूजी ने क्या कहा, मेरे राजकुमार को चाय पिलाओ। जी मजूर। ये मजूर नहीं, हुजूर, राजकुमार को मजूर बना दिया। सॉरी जी हुजूर, हाजिर करती हूँ चाय। जा जा जल्दी चाय ला जल्दी। दे दे चाय, दे चाय, दे चाय, दे रे मुझे चाय, दे 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 चाय, दे चाय, दे चाय, दे रे राजकुमार को चाय दे। लाई लाई राजकुमार, आपकी गर्म गर्म मसालेदार चाय तैयार है, आप जरा खुशबू लीजिए। हाँ 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 दया, क्या खुशबू है, क्या कर रही है चाय ला? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले आप मुझे आइडिया दो, बाद में मैं आपको चाय दूंगी। कैसा आइडिया? तो क्या है, हम लेडीज लोगों ने विटनर पार्टी का आयोजन करने का तय किया है, तो उसके लिए आइडिया चाहिए। अरे वाह, अच्छा तुम लेडीज लड़की हो ना, अच्छा ढूंढ निकाला। विटनर पार्टी क्या क्या होता क्या इसमें? विटनर पार्टी मतलब सर्दियों की पार्टी। हमारे सोसाइटी कंपाउंड में मस्त गुलाबी ठंडी में हम लोग तापड़ा करेंगे और शक्करकंद आलू वो भी भुनेंगे, और उस दिन तो वेंटेंट डे भी है ना, तो सब लोग मिलकर मजा करेंगे। मजा आएगा, सब मजा करेंगे। लाला चाय दे। टप्पू के पापा, पार्टी में और क्या करें वो सूझ नहीं रहा है। पहले भी हमने डांस, फैंसी ड्रेस, अंताक्षरी वो सब किया है, तो अब कुछ अलग कोई आइडिया आप बताइए ना कि पार्टी में धमाल हो जाए। दया तू तो जानती है, जब तक मैं चाय नहीं पीता मैं सोच नहीं सकता। क्या एक बार चाय पियूंगा ना तो दिमाग का दरवाजा एकदम फटाक से खुल जाएगा। ला चाय ला। चाय पीकर आपका दिमाग का दरवाजा खुलेगा, और घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है, तो आप चाय पीकर फटक से चले जाएंगे और मुझे आइडिया भी नहीं देंगे। अरे भाई तो चाय देना यार, क्या कर रही है दया, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है, फिर दुकान जाते जाते मुझे मेहता साहब को भी मिलने जाना है, तो प्लीज चाय दे। नहीं नहीं, पहले आप मुझे आइडिया दो, बाद में मैं आपको चाय दूंगी। इस आइडिया से तुम्हारी विटनर पार्टी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। हाँ, तो बोली बोली क्या आइडिया है? दया ये जो आइडिया मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, इससे तुम्हारी विटनर पार्टी रात को चालू होगी और सुबह कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, सुबह तक चलेगी पार्टी। तो जल्दी बताइए ना, तड़पाइए मत जल्दी। नहीं, अरे उसमें तड़पा ना कहला, तू पहले मुझे चाय पिला, क्या वो आइडिया आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, एक बार चाय पी लूंगा ना ऐसे पकड़ में आ जाएगा पूरा आइडिया। जल्दी चाय दे, चाय लीजिए राजकुमार जी। ओ राजकुमार, आइडिया मिलते ही। बोलिए आइडिया बोलिए। एक मिनट। अब बोलिए। मुझे आ गया। चलो। अरे हाँ आइडिया। दया देख, मेरे पर्सनल अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी के मौसम में अगर आपको मजा करनी है, बहुत ज्यादा मजा करनी है, तो आप एक ही चीज कीजिए, रात होते ही रजाई ओढ़ के सो जाओ। हाँ, तो सबको बोल दे कि सब अपने अपने घर में सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के सो जाए, सबको जलसा पड़ जाएगा, सुबह कहाँ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, रात भर है ना जलसा है। चलो टप्पू का पापा, ये चैटिंग है, आपने चाय पी ली और मुझे आइडिया भी नहीं बताया। सॉरी दया, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, वरना मैं तुझे 3-4 तड़कते फड़कते आइडिया सुनाता प्लीज। वैसे मैंने अभी जो आइडिया दिया वो भी सोचने लायक है। चलो चलो चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
कहाँ चली गई फाइल? अंजलि, अरे अंजलि कहाँ है मेरी फाइल? अरे एक मिनट, तारक क्यों चिल्ला रहे हैं? ओ बाप रे तारक, ये सब क्या फैला कर बैठ गए आप? अरे क्या फैला के बैठ गए अंजलि, मैं अपनी कविताओं की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। कौन सी कविता की फाइल बाबा? दर्द भरी कविताएं। दर्द भरी कविताएं? हाँ, जो मैंने शादी के बाद लिखी है। अरे ढूंढो ना भाई, ढूंढो ना प्लीज। कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे हैं, सपनों से भरी दुनिया शीर्षक की कविता? अंजलि, शादी के बाद कोई सपनों से भरी दुनिया शीर्षक से कविताएं लिखता है क्या? ऐसे शीर्षक ढूंढो, मिल जाएंगे उसमें। मेरी आजादी कहाँ गई, कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, और बंद कर सितम करना है सितमगर, मतलब इस तरह के शीर्षक होंगे। अच्छा जी, तो शादी के बाद अपने ऐसी कविताएं लिखी है? हाँ? अरे भाई अंजलि, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चेतना के लिए। हे भगवान, अब ये चेतना कौन है? राष्ट्रीय चेतना। अच्छा मिस्टर मेहता, कहीं आप मुझे झांसा तो नहीं दे रहे ना? अरे अंजलि, तुम्हारे प्यार ने मुझे फांसा, तो मैं कैसे दूंगा तुम्हें झांसा? और मैं हूँ तुम्हारे प्रीत का प्यासा, अब चाय का स्वाद चखा दो जरा सा। वाह 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 वाह, डाइट फूड के नाम पे मुंह बनाते हो बुरा सा, और चखना है चाय का प्याला जरा सा। क्या बात है, वाह 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 वाह, आप भी शायरा हो गई है, बहुत अच्छे, नॉट बैड, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। पर धारी मेरी फाइल, ये लीजिए, मिल गई आपकी दर्द भरी कविताओं वाली फाइल। मिल गई? अरे रे रे रे। फाइल के अंदर फाइल छुपी थी, कहाँ से दिखेगी आपको? हाँ मिल गई, मिल गई, यही ढूंढ रहा था मैं सुबह से, दर्द भरी कविताएं। अंजलि मुझे पता था कि तुम जरूर ढूंढ लोगी, तुम्हें दर्द दिया, तुम्ही फाइल देना। अरे मेहता साहब, अरे आओ आओ, ये क्या सब फैला कर बैठे हैं? देखिए ना जेठा भाई, आपके दोस्त को एक कविता की किताब ढूंढने के लिए अनेक किताब फैला कर बैठ जाते हैं। क्या मेहता साहब, आप भी ये सब रद्दी जमा करके बैठे हैं? मैं तो कहता हूँ किसी रद्दी वाले को बुला के सब दे दो, कम से कम 200 रुपये मिलेंगे। जेठालाल, तुम इन सबको रद्दी बोल रहे हो, और इसकी कीमत लगा रहे, वो भी 200 रुपए? अरे भाई ये अनमोल है, इनकी कीमत नहीं लग सकती। ये मेरी वो रचनाएं हैं जिन्हें मैंने रात रात भर जाग जाग के, बहुत सोच सोच के, अपना खून जला जला के लिखा है। इसमें मेरी कविताएं हैं, मेरे आर्टिकल्स, मेरे लेख हैं जो मैंने अपने खून से लिखे हैं। खून से? अरे भाई मुहावरा है जेठालाल। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, मुझे पता नहीं था ये सब आपकी रचनाएं हैं। वैसे ये सब आपने लिखा है? ये सब कुछ तो नहीं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ मेरा लिखा हुआ है, मतलब कविताएं हैं, आर्टिकल है। ओहो, क्या बात है मेहता साहब, इतना सब अब कैसे लिख डालते हैं? वैसे ही जैसे तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला लेते हो। मेहता साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मेरी मदद करने के लिए नट्टू काका है, बागा है, मगन है, लेकिन हाँ ये सब लिखने के लिए तो आप अकेले ही है, आपको अकेले को ही लिखना पड़ता है ना सब? हाँ ये बात तो है जेठा, ये परिश्रम तो स्वयं को ही करना पड़ता है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, कविता तो अकेले को ही लिखनी पड़ती है, इसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठती। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, लेकिन इतने भर भर के विचार आपके पास आते कहाँ से? बस वैसे मैंने सुना है आप जैसे लेखक कवि जब भी कोई कविता लिखते हैं तो अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, तो उससे क्या उनको वो मिलती है अपना, वो क्या बोलते हैं वो, प्रेरणा? हाँ प्रेरणा, तो आपके भी कोई प्रेरणा है? यही है। यही कहाँ? अरे भाई तुम्हारी आंखों के सामने भीत? तो मेरे घर में भी इतनी सारी भीत है, लेकिन भीत से मैं तो कभी बना नहीं। अरे भीत भीत नहीं जेठालाल, मेरे मन का मीत अंजलि। सॉरी, ओह सर, यही है मेरी प्रेरणा। पता है जेठा भाई, आपके दोस्त ने खास मेरे लिए एक कविता लिखी थी। ओहो, और उसी कविता से तो इन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। ओहो, कौन सी कविता मेहता साहब? तुम ही हो मेरी प्रेरणा, यही शीर्षक था उस कविता का, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरी तरुणाई के दिनों से तुम मेरी प्रेरणा थी, तुम मेरी प्रेरणा हो, और तुम ही मेरी प्रेरणा रहोगी।
मैं बाद में आता हूं। अरे नहीं नहीं जेठल, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो भाई जेठल? मैं तो पूछने भूल गया कि तुम आए कैसे थे। हाँ। अरे वो एक हमारा पुराना डीलर है पटेल भाई, तो कल उनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा अच्छा। तो एक बढ़िया सा अच्छा सा तोहफा उनको देना है मुझे, और वो साथ में वो कार्ड देते है ना, वो ग्रीटिंग। हाँ हाँ वही वही। तो मैंने सोचा उसमें आप कुछ बढ़िया सा लिख दो अपने खून से, मतलब अपने हाथों से कुछ बढ़िया सा लिख दो। तो इसके लिए मैं सोच रहा था अभी साथ में अगर आप आओ तो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप बिजी है तो ठीक है। अरे नहीं नहीं जेठलाल, मुझे तो खुद ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। मैं यूं गया और कपड़े चेंज करके यूं आया, तुम वेट करो फिर साथ चलते हैं। मैं मदद करूं कुछ? अरे नहीं नहीं नहीं, तारक मैं ले लूंगी। आइए ना जेठा भाई, प्लीज। सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गया, आप लोग बिजी थे और नहीं नहीं ये सारा मैं बाद में समेट लूंगी। जेठा भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए ताजा जूस लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, जरूरत नहीं है, मैं अभी घर से एकदम फुल नाश्ता करके आया हूँ। जेठा भाई एक ग्लास जूस में कुछ नहीं होगा, आप दो मिनट बैठिए, मैं अभी आई। नहीं नहीं अंजलि भाभी देखिए, लगता है अंजलि भाभी जूस पिला के ही छोड़ेंगे। जेठा भाई ये लीजिए, पी के बताइए कैसा है। ये क्या है जेठा भाई? एटीएम स्पेशल जूस। पता है इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है, इसमें अदरक दालचीनी और मुलेठी का मिश्रण है। मुलेठी? मुलेठी मेहता साहब नई नई कविताएं बनाते हैं, आप नए नए जूस बनाते हैं, राम मिलाई जोड़ी है आप दोनों की। अच्छा अभी पी के बताइए कैसा है। पीजिए। कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा? अरे जबरदस्त है, खतरनाक है। सच्ची? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। एक्चुअली जेठा भाई आज विंटर पार्टी के लिए हमारी महिला मंडल की मीटिंग है, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए। वाह 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 बहुत बढ़िया। वो दया बता रही थी आज आप लोगों की कुछ हंटर पार्टी है। नहीं जेठालाल हंटर पार्टी नहीं, विंटर पार्टी। चलो 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 चलो। एक मिनट जेठा भाई, तारक मैं आपके लिए जूस लाती हूँ, पी के जाइए। जूस में ऑलरेडी पी चुका हूँ सुबह एक बार, और एक गुनाह की सजा दो दो बार नहीं मिल सकती। तारक जेठा भाई के सामने तो, अरे जेठा भाई आपने आपका जूस खत्म नहीं किया। जेठा भाई आपने क्यों आधा छोड़ दिया, पी लीजिए। अंजलि भाभी सच में बहुत नाश्ता कर लिया, यहाँ तक जूस का जाने का रास्ता ही नहीं बचा है अभी, फिर कभी आऊंगा तो पीऊंगा ना। हा? अरे वापस तो तब आओगे ना जब चलोगे। चलो 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 चलो, 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 चलो जाना है भाई। आइडिया, दया भाभी को दे दूंगी, शाम को जेठा भाई घर आएंगे तब उनको पिला ही देगी। अब ये सब भी तो समेटना है, हे भगवान कितना काम छोड़ के जाते तारक। आज महिला मंडल की मीटिंग में तारक ने मेरे लिए लिखी कविता सबको सुनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। छुपी रुस्तम निकलिया। अरे और आप कविता लिखेंगे तो मेहता साहब क्या लिखेंगे? कहीं आपने उनको खाना बनाने का काम तो नहीं दे दिया ना? क्या आप भी? वैसे दया भाभी को भी यही लगा था कि कविता मैंने लिखी है, पर एक्चुअल में एज यूजुअल कविता तारक ने ही लिखी है। ये कविता कोई ऐसी वैसी कविता नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कविता है। ऐतिहासिक कविता मतलब किसी राजा महाराजा के बारे में है क्या? नहीं नहीं नहीं, महाराजा के बारे में तो नहीं है, पर
महारानी के बारे में जरूर है, और वो महारानी है मेहता साहब के दिल की महारानी, महारानी अंजलि देवी। सुनिए, उसी कविता से मेहता साहब ने अंजलि भाभी के दिल को चुराया, और उसी कविता से अंजलि भाभी और मेहता साहब के बीच में प्यार हुआ, और उसी कविता से मेहता साहब और अंजलि भाभी की शादी हुई। मतलब अगर वो कविता ना होती तो आज अंजलि भाभी श्रीमती मेहता ना होती। इतनी रोमांटिक बात है और आप हमें आज बता रहे हो? अरे पर ये तो बहुत पुरानी बात है, मेरे कॉलेज के दिनों की। हाँ तो सुनाइए ना वो कविता। एक मिनट, सुनाती हूँ, जरूर सुनाऊंगी। ओके, तो कविता का शीर्षक है, हमें सिर्फ पिक्चर की झलक नहीं देखनी है, हमें पूरा पिक्चर देखना है। मतलब हमें पूरा का पूरा किस्सा सुनाइए कि मेहता साहब ने आपको कब कविता सुनाई, कैसे कविता सुनाई, और जब आपको सुनाई तब आपने क्या क्या कहा। सब सुनाती हूँ, सब बताती हूँ, तो पूरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब हम कॉलेज में थे ना, तब तारक अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं लिखा करते थे, और जब भी मैं वहां से गुजरती थी तो तारक किताब के पीछे से छुप छुप कर मुझे देखा करते थे। ये मुझे भी पता था और मुझे वो बात अच्छी भी लगती थी, इसीलिए मेरी क्लास दूसरी डायरेक्शन में होने के बावजूद भी जानबूझकर रास्ता बदलकर जहां तारक होते थे ना, वहीं से मैं गुजरती थी। मैंने उनकी वही किताब वहां पढ़ी देखी जिसमें वो रोज कविताएं लिखा करते थे। रोज देखती थी इसलिए मैंने वो किताब पहचान ली, और चुपके से जाके मैंने वो किताब वहां से उठा ली। और पता है, वो नोटबुक तारक ने जानबूझकर मेरे लिए वहां पे छोड़ी थी। उस किताब में तारक ने मेरे लिए एक प्यारी सी कविता लिखी थी। फिर क्या, वो कविता मैंने अकेले में जाके पढ़ी, बार बार पढ़ी, हर बार पढ़ी, और जब मैंने वो कविता पढ़ी तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई, और मैं सोचने लगी कि कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की कि वो किसी की कविता की प्रेरणा बन सकती है। फिर तारक अचानक वहां पे आए और अपनी कविता की किताब ढूंढने लगे, पर कविता की किताब तो मेरे पास थी। फिर क्या, उसी पेड़ के नीचे मैं किताब वापस लौटाने पहुंची। आपका कुछ खो गया है? जी, खो गया है। आपकी खोई हुई चीज मेरे पास है। प्लीज प्लीज वापस दे दीजिए ना, प्लीज दे दीजिए, उसमें मेरी एक बहुत जरूरी चीज है, प्लीज। अच्छा, क्या चीज? उसमें
उसमें मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरी डायरी वापस दे दीजिए। तुम प्रेरणा हो मेरी, यही कविता ना? आपने वो कविता पढ़ ली? हाँ मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी है। मैं आपको एक ही शर्त पे ये डायरी वापस करूंगी। क्या शर्त? यही, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये कविता आपने किसके लिए लिखी है। कैसी अजीब सी शर्त है, लिखी है ऐसे ही किसी के लिए लिखी है। वही तो, किसके लिए? इस पेड़ के लिए, इन पत्तों के लिए, या फिर? नहीं नहीं, असल में ये कविता मैंने उसके लिए लिखी है जो मेरी लेखनी, मेरी कलम की प्रेरणा है। अच्छा, तो कौन है आपकी कलम की प्रेरणा बताइए, वरना आपकी ये डायरी मैं वापस नहीं दूंगी। प्लीज देखिए, प्लीज फोर्स मत कीजिए। तो बता दीजिए ना। असल में मेरी प्रेरणा वही है जिसके हाथ में ये डायरी है इस वक्त। मतलब? मतलब आप ही मेरी प्रेरणा है। उसी दिन से आज तक ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब रही है। क्या बात है। और जब भी मैं ये कविता पढ़ती हूँ, बस पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। अभी हमें भी पढ़ के सुनाइए, कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। प्लीज 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 अंजलि भाभी। ओके, तो सुनिए मेरे प्यार की कहानी। यस। कविता की जुबानी। कविता का शीर्षक है तुम प्रेरणा हो मेरी। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, मैं शब्द हूँ तुम सुर हो, मैं दीप हूँ तुम नूर हो, ना हो परी ना हूर हो, तुम मेरा कोही नूर हो। कोही नूर, क्या बात है। तुम कामना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। मैं कहाँ का कवि था, मैं तो कोई नहीं था, मैंने ना कोई सच्ची लिखी थी कविता, पर जब से तुम जिंदगी में हो आई, पता नहीं कौन सा जादू हो लाई, मेरे शब्द अपने आप छंद में ढल जाते हैं और मेरे ख्याल कविता बन जाते हैं, मेरे स्वप्न नींद रात चांद शोक हर्ष तुम हो, मेरे कवि होने की वजह एक सिर्फ तुम हो। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। प्रेरणा, साधना, क्या शब्द है और कितने उत्तम विचार है। अंजलि भाभी, यू आर वेरी लकी, आई मस्ट से। अपने पति के लिए प्रेरणा होना, ये पत्नी के लिए खुशकिस्मती की बात है रे। ये मेहता साहब ही है जो अपनी पत्नी के लिए रोमांटिक कविता लिख सकते हैं। बाकी हंस को कहूं तो वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे। कोमल भाभी, रोशन नु भी अहमद है, वैसे तो रोशन बहुत रोमांटिक है, और अगर मेरे बारे में कुछ बोलने को कहूंगी ना तो तारीफों के पुल बांध देगा, पर अगर कविता लिखने को कहूंगी ना तो कविता का कभी नहीं लिख पाएगा। सेम विद अयरा, दुनिया की सारी केमिस्ट्री आती है पर हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी लिखने का हूं ना, इम्पॉसिबल, नेवर। मेरे ये भी ऐसे ही है। मिल गया मुझको आईडिया, मिल गया मुझको आईडिया। अरे विटनर पार्टी के लिए एक मस्त आईडिया मिला है जिससे हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। हम लोग विटनर पार्टी में कविता पढ़ने का प्रोग्राम रखे तो
उसमें हम सबके पति देव उनकी प्रेरणा के लिए मतलब हमारे लिए खुद की लिखी हुई कविता पढ़ेंगे और उस दिन वेटलैंड डे भी है तो हमारे पतिदेव की कविता से विटनर पार्टी और भी रोमांचिक हो जाएगी। बागा संभाल के बेटा वो घोना जरा डेंजर है। हाँ टेक केयर। अरे सेठ जी आज इतनी जल्दी आ गए? आप तो कह रहे थे कि पटेल साहब को जो गिफ्ट देनी है वो खरीदने मेहता जी के साथ आप जाने वाले हैं। हाँ वो मेहता साहब की ऑफिस से अर्जेंट फोन आ गया तो उनको ऑफिस जाना पड़ा तो फिर उन्होंने कहा कि शाम को घर जाते वक्त हम लोग गिफ्ट लेते जाएंगे। अच्छा अच्छा। अरे भागा हाँ? वो उसके पीछे जरा। जी जाड़ के पीछे। हाँ। हाँ। एक मिनट नटू काका ये भागा क्यों साफ सफाई कर रहा है? मगन का है? सेठ जी दरअसल बात यह है कि मगन कल दुकान की सफाई कर रहा था तो सफाई करते करते उसके हाथों दुकान की लाइसेंस के फ्रेम नीचे गिर गई और टूट गई तो इस वजह से मगन का कॉन्फिडेंस आज थोड़ा लो है इसलिए बागा सफाई कर रहा है। तो फिर वो फ्रेम कल रिपेयर करवा ले कि नहीं? नहीं सेठ जी। क्या नहीं सेठ जी? क्या नहीं सेठ जी? क्यों नहीं करवाए? पर वो सरकारी ऑफिसर कभी भी आ जाता है चेकिंग के लिए और दीवार पर टंगा लाइसेंस नहीं देखते तो खामा का फाइन मार के चले जाते हैं। तू भी बागा आजकल ढीला हो गया है, सब काम देर से करता है। डोंट वरी सेठ जी, करिए थोड़ा वेट जी, करते हैं हम थोड़ा लेट जी, पर करते सब परफेक्ट जी। अरे वाह बागा वाह, ये तो सुंदर कविता हो गई। डोंट वरी सेठ जी, करिए थोड़ा वेट जी, करते हैं हम लेट जी, पर करते सब परफेक्ट जी। वाह 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 नटू काका। अरे ओ जुगल कवि, ये नौटंकी बंद करो और बागा तू अभी का अभी जाके वो लाइसेंस की नई फ्रेम बनवा के लेके आ जा। जी सेठ जी। क्या कर रहा है? लाइसेंस ले रहा हूँ। चल चल जा जा जल्दी जा जल्दी जा। अभी करवा के आता हूँ। नटू काका आपका भी ध्यान कहाँ है? आपको तो पता है ना म्युनिसिपैलिटी वाले इस मामले में कितना कड़क है, कल करवा लेना चाहिए था ना। सॉरी सॉरी सेठ जी, एक्चुअली आज मैं करवाने वाला ही था लेकिन सेठ जी कस्टमर। आइए आइए भाई साहब, क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? लाइसेंस। लाइसेंस? नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग लाइसेंस नहीं बेचते। लाइसेंस खरीदने नहीं आया हूँ, देखने आया हूँ तुम्हारे दुकान का लाइसेंस। Myself, सीनियर विजिलेंस ऑफिसर मुंबई महानगर पालिका, मिस्टर अरुण कदम। दिखाओ दिखाओ लाइसेंस दिखाओ। देखा? दरअसल साहब बात यह है कि आदमी फ्रेम की सफाई कर रहा था, सफाई करते करते फ्रेम टूट गई तो दूसरा आदमी उसे रिपेयर करवाने गया है। बस आप 10 मिनट बैठिए, बस वो आता ही होगा। हाँ नहीं नहीं मुझे बैठने को टाइम नहीं है, और भी दुकान का लाइसेंस देखना है। एक 5 मिनट बस सब वो आता ही होगा, तब तक नटू काका साहब के लिए कुछ चाय पानी। चाय पानी? शटर बंद करो, शटर बंद करो। सबको रिश्वतखोर समझाए क्या? ए, नहीं नहीं अरे रिश्वत नहीं, चाय पानी मतलब वो पानी में चाय डाल के उसको उबाल के उसमें नहीं वो अदरक वो पुदीना पुदीना डाल के मस्त रजोड़े चाय बनाते, वो असली चाय की बात कर रहा हूँ मैं। रिश्वत नहीं, अरे मेरे बापू जी ने मुझे बचपन से ही मुझे सिखाया कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में कभी किसी को रिश्वत ना देना ना किसी से लेना। हमारा देश आज इसी की चपेट में आ गया है। अगर हमारे देश से ये रिश्वतखोरी और ये भ्रष्टाचार दूर हो जाए ना सब, तो हमारे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश का लाइसेंस मिल जाए। इन शॉर्ट मैं समझ गया, तुम्हारे पास दुकान का लाइसेंस नहीं है। शटर बंद करो, शटर बंद करो पहला। अरे साहब क्या शटर बंद करो, लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के थोड़ी ऐसे धंधा इतने सालों से चलाएंगे हम लोग। तो दिखाओ। अरे बोला ना साहब वो आदमी गया है वो। जी, हमारे पास लाइसेंस की कॉपी है, वो चलेगी? हाँ चलेगी। अरे आप क्या खड़े हैं, दिखाइए कॉपी। साहब अभी आप कॉपी देख लीजिए, तब तक वो आदमी आ जाएगा ओरिजिनल लेके। लाइए नटू काका जल्दी, इसमें ये देखिए इसमें है ना, इसमें अच्छा याद आ गया। ये क्या है? इसमें दुकान के सारे पेपर्स की कॉपी है। अच्छा, मैं तेरा बावरा तू मेरी बावरी,
मैं तेरा शायर, तू मेरी शायरी, मेरी बैटरी है तू, मोबाइल हूँ मैं, मेरा कागज है तू, तेरी फाइल हूँ मैं। एक मिनट साहब, मैं देखूं जरा। शटर बंद करो, पहले शटर बंद करो। एक मिनट साहब, नट्टू काका ये क्या है? मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी, ये कौन सी फाइल दे दी सबको आपने? दया भाभी, एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पर हमारे पति उसे कविता लिखवाना, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। वो कभी तैयार नहीं होंगे इसके लिए। अरे रोशन भाभी, उनको तैयार करना हमारा काम है। कैसे पर? अरे पत्नी अगर चाहे तो अपने पति से क्या क्या नहीं करवा सकती, ये तो आप मानते हैं ना। अरे हम चाहे ना तो पतिदेव से बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखवा सकते हैं, तो एक कविता नहीं लिखवा सकते? अरे सोचो सोचो, कुछ भी असत्य नहीं है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, सोचो कुछ। ओके, चलो देखे तो सही अपने अपने पति अपने लिए कैसी कविताएं लिखते हैं। अभी बात है, विंटर पार्टी में हमारे पति हमारे लिए खुद लिखी हुई कविता अगर पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्यार भरी कविताओं से विंटर पार्टी में प्यार का तड़का लग जाएगा और विंटर पार्टी एंड वैलेंटाइंस डे दोनों यादगार बन जाएंगे। तो फिर ये तय रहा कि हम हमारे पति देव से किसी भी तरह कविता लिखवाएंगे और कल की विंटर पार्टी में हमारे पति देव अपनी पत्नी पर लिखी कविता पढ़ेंगे। तो चलो चलो जल्दी से अपने पति देव को कविता लिखने के लिए तैयार करो। टप्पू के पापा तैयार हो जाइए शाम को कविता लिखने के लिए। मैं तेरा शायर, तू मेरी शायरी, मेरी बैटरी है तू, मोबाइल हूँ मैं, मेरा कागज है तू, तेरी फाइल हूँ मैं। एक मिनट साहब, मैं देखूं जरा। शटर बंद करो, पहले शटर बंद करो। एक मिनट साहब, नट्टू काका ये क्या है? मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी, ये कौन सी फाइल दे दी सबको आपने? सेठ जी, ये तो मेरी फाइल है, मेरी कविता की फाइल, इसमें मेरी कविताओं का कलेक्शन है। अरे वाह बागा, बचपन में मैं कॉइन्स, स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करता था। यू आर वेरी इनोवेटिव दादा। तुम कविताएं कलेक्ट करते हो? नहीं नहीं नटू काका, मैंने किसी की कविता कलेक्ट नहीं की है, बल्कि मैंने खुद कविताएं लिखी हैं बावरी जी के लिए। ओए कलेक्टर, एक मिनट, आप लाइसेंस दिखा रहे हो कि मैं शटर बंद करूं? नहीं नहीं, एक मिनट साहब। अरे बागा, वो लाइसेंस तो फ्रेम वाले को देके आया? नहीं सेठ जी, वो फ्रेम वाले की दुकान आज बंद है। हाँ भला हो उस फ्रेम वाले का। तो भी लाइसेंस किधर है? ये रहा सेठ जी। मोड़ के लेके आया तो ये देखिए साहब, ये लाइसेंस। चलो हर्ष भाई बागा, आज भले फ्रेम वाला बंद है लेकिन कल इसको जरा इस्त्री बिस्त्री मार के इसको करवा लेना। हा? लेकिन सेठ जी, अभी तो चेकिंग करके गए, अभी वापस कल थोड़ी आएंगे, अब तो पता नहीं कब आएंगे। तो तब तक क्या ये लाइसेंस को ऐसे रखड़ता रखेंगे हम लोग? नहीं नहीं सेठ जी, कल करवा दूंगा। अरे समझाओ इसको, क्या हो गया इसको, क्या बोल रहा है? आज आके गए, अभी कल थोड़ी आएंगे, परसों बाद आएंगे। तू अच्छा ऑफिसर की बात छोड़, मुझे ये बता, ये क्या है? बेवड़ा बेवड़ी क्या है? बेवड़ा बेवड़ी नहीं सेठ जी, बावरा बावरी। मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। चुप, तू दुकान में काम करने आता है कि कविता लिखने आता है? नहीं नहीं सेठ जी, दुकान में तो मैं काम करने ही आता हूँ, कविता तो मैं रोज घर पे लिखता हूँ। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। तो घर पे कविता लिखते आते, तेरी फाइल घर पे होनी चाहिए ना, दुकान में क्या कर रही है? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज मैं दुकान के बाद बावरी जी को मिलने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी कविताएं बावरी जी को पढ़ के सुनाऊं, इसलिए ये फाइल मैं आज घर से दुकान ले आया। वो जो भी हो, आइंदा तेरे मुंह से मुझे कविता का कभी सुनना नहीं है। आज के बाद ये तेरी कविता की फाइल अगर दुकान में पाई गई तो इस दुकान में ना कविता रहेगी ना कवि। कुछ नहीं, ये ले, कल इसको इस्त्री मार के करवा लेना बराबर। जी सेठ जी। चलो भाई खड़ा क्या, काम करो भाई, चलो।
हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा कैसे हैं? क्यों मुझे क्या हुआ है? अच्छा हूँ भाई, बोलना। हम क्या कर रहे थे? अरे दुकान में आदमी क्या करेगा भाई, काम करना हो तो फोन क्यों किया बोल। टप्पू के पापा अभी काम में बहुत बिजी लग रहे हैं, अभी कहूँगी कि आपको मेरे लिए कविता लिखनी है तो शायद गुस्सा हो जाए। घर पर आएंगे तभी बताऊंगी। हेलो हेलो दया। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? रोज का टाइम पे। अच्छा आप प्लीज आज जरा जल्दी घर पर आ जाएंगे? क्यों आज कुछ खास है? मैं जो हूँ घर पर, और क्या खास चाहिए आपको? बोल भाई फोन क्यों किया तूने? अभी नहीं बताऊंगी, आप घर पर आइए तब पता चल जाएगा, बस आप जल्दी से घर पर आ जाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पत्नी जब कहे कि वो बेसब्री से इंतजार कर रही है तब पति को सतर्क हो जाना चाहिए। आज घर पे कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। टिप्पू के पापा, आज मैं मस्त तैयार होकर मेरे रूप का आप पर ऐसा जादू करूंगी कि आप कविता लिखने के लिए जरूर मान जाएंगे। आप आइए तो सही मेरे टिप्पू के पापा। वैसे थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू किस लिए जेठालाल? अरे तोहफे में किताब देने का स्पेशल आइडिया देने के लिए, सच में दिल से शुक्रिया। क्या जेठालाल भाई, ये शुक्रिया कह के दोस्ती का अपमान मत करो। हमारी दोस्ती कैसी है? खरे सोने जैसी। और सोने जैसी दोस्ती में शुक्रिया थैंक्स ऐसा लगता है जैसे स्टेनलेस स्टील। नहीं वो बात तो है, लेकिन सच में तोहफे में किताब देने का आइडिया तो आप ही दे सकते। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे किताब देने के बड़े फायदे हैं जेठालाल भाई। तोहफे में आप किताब देते हो तो किताब तो आदमी के साथ रहती है। मान लो किताब नहीं भी रहे तो इस किताब में लिखा हुआ जो विचार है वो आदमी के साथ जिंदगी भर रहता है। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही है। और तोहफे में किताब देने का एक और फायदा है मेहता साहब। और क्या? सस्ते में निपट जाता है। अरे जेठालाल, जब आदमी किसी को कोई तोहफा देता है ना, तोहफा लेने वाला तोहफे की कीमत पे गौर नहीं करता, वो उसकी भावनाएं देखता है। नहीं वो तो आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, व्यापारी लोगों की क्या कुदरती आदत है, हर बात में वो पैसों की गिनती आ ही जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ये गिनती एक बार छोड़ के एक बार किताबें पढ़ना शुरू कर दो। एक बार किताब पढ़ोगे ना तो किताबों से प्यार हो जाएगा, और आदमी को किताबों से प्यार हो जाए ना जेठालाल, तो फिर कैसे भी करके वो किताब लेके आता ही। जैसे मुझे देखो, किताबों से इतना प्यार है कि हर महीने सैलरी में से पैसे बचा के एक बुक तो लाता ही हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, बुक तो मैं भी लेता हूँ हर महीने। आप एक लेते हैं, मैं तो दो लेता हूँ। तुम दो बुक लेते हो? हाँ, एक चेकबुक एक पासबुक। जेठालाल, ये दो बुक अगर आपके पास है ना तो फिर दुनिया की कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तुम नहीं सुधरोगे जेठालाल। चलो चले, तुम्हारे लिए तो दया भाभी ने स्वादिष्ट व्यंजन बना रखे होंगे। मैं देखता हूँ अंजलि ने क्या बनाया मेरे लिए आज। अरे नहीं नहीं, अंजलि भाभी ने भी आपके लिए देखना कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। क्यों? आजकल सब लेडीज लोगों का मूड बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे? एक तो कल वो लोग विटनर पार्टी का आयोजन कर रहे, और दूसरा कल वो भी है ना वो वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे? हाँ, तो उसकी वजह से सब लेडीज एकदम उत्साह में, बहुत अच्छा मूड में है। तो देखना अंजलि भाभी ने भी आपके लिए कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। चलो देखते अंजलि का मूड कैसा है आज। चलो चलो ओके, थैंक यू। अरे सॉरी, थैंक यू। भाई क्या बात है, कौन सी यादों की बारात दिल के द्वारा निकल गई है? अपने कॉलेज के दिनों की। कॉलेज के दिन? दिन थे अंजलि, क्या दिन थे, क्या याद दिला दिया तुमने कॉलेज के दिन। पूछो मत अंजलि, पूछो मत, क्या दिन होते थे वो। हाँ तारक, आप जेठा भाई से उस कविता के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम ही मेरी प्रेरणा। हाँ हाँ। आपके जाने के बाद मैंने वो कविता ढूंढ निकाली। अच्छा? और उसे पढ़ते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे कैसे ना होती, आप देखिए देखिए। अरे क्या देखूं इस कविता को अंजलि, इस कविता को देखने के लिए या पढ़ने के लिए क्या मुझे डायरी की जरूरत है? अरे दिल से निकली हुई कविता है, मुंह जबानी याद है। अगर तुम मुझे कहो ना कि नींद में कविता सुनानी है तो नींद में भी सुना सकता हूँ मैं भी। पता है तारक, अपनी ये कविता आज मैंने महिला मंडल में सबको सुनाई। क्या बात कर रही हो, सबको सुनाई?
और सब पे इस कविता का जादू छा गया। सुनने के बाद सब आपकी तारीफ बहुत कर रहे थे। क्या क्या भाई, क्या कह रहे थे बताओ, हम भी सुने जरा, खुश हो ले। कह रहे थे कि अगर आप अपनी पत्नी के लिए इतनी अच्छी कविता लिख सकते हैं तो उनके पति क्यों नहीं। मतलब ये कि सोसाइटी की सारी लेडीज ने तय किया है कि सब अपने अपने पति से उनके ऊपर कविता लिखने के लिए कहेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल व्यापारी जेठालाल, मैकेनिक सोड़ी, शिक्षक भिड़े और साइंटिस्ट अय्यर और डॉक्टर हाथी अब बैठ के कविताएं लिखेंगे। जी हाँ, और सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, कल विंटर पार्टी में उनकी लिखी हुई कविता सबके सामने पढ़ेंगे भी। मर गए। हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी। सोचिए ना तारक, कल वैलेंटाइंस डे की पार्टी में पति पत्नी को अपनी लिखी हुई कविता सुनाएंगे, हर जगह पार्टी में प्यार का रंग छा जाएगा। प्यार का रंग ऐसे कैसे छा जाएगा अंजलि, अरे लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है। कभी लेडीज ने कह दिया हम पे कविता है, लिखो तो लिखो। अरे उसके लिए सारे जेंट्स को मानना भी पड़ेगा, कविता लिखना इतना आसान नहीं है। उन्हें मानना पड़ेगा, पता है इस कविता की वजह से तो गोकुलधाम के सारे पति कवि बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, लगता है मेरी से एक कविता की वजह से आज गोकुलधाम के सारे पतियों पर शामत आने वाली है। पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।